हेलो माय लवली स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू दी चैनल सो नाउ लेट्स डिस्कस दी इन बिटवीन क्वेश्चंस फर्स्ट सो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे पेज नंबर थ्री पे ऑल्सो अगर पेज इधर उधर हो तो आप समझ जाना कि जो भी पहले क्वेश्चंस है वो है ये सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर सबसे पहले तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है इनमें से कौन सी चीज़ें मैटर है और कौन सी नहीं तो मैटर के लिए मैंने आपको बताया दो चीज़ें हमें देखनी होती हैं कि इफ इट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड इट हैज मास तो कोई भी चीज जिसका मास है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है वो हमारा मैटर होता है तो चेयर क्या उसका मास होता है क्या वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है ये yes, तो चेयर हमारा मैटर है एयर हमें कम दिखता नहीं है लेकिन बहुत सारा स्पेस ऑक्यूपाई करती है सो so, बिल्कुल यहाँ पे टिक कर देते हैं लव लव इज़ अ फीलिंग सो ना तो उसका कोई मास है ना ही वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है आई नो आप बोलोगे मैम दिल में बहुत जगह रखती है बट स्टिल इट डजन हैज़ मास एंड इट इज अ फीलिंग स्मेल सेम चीज़ है हेट भी सेम चीज़ है फीलिंग है आलमेंड्स ये तो भैया हमारे मैटर हैं सिमिलरली थॉट अगेन कोई स्पेस ऑक्युपाई नहीं करी हमारे माइंड में स्पेस ऑक्युपाई है बट वैसे नहीं कर रही कोल्ड हमें फील होता है ठंड लगती है लेकिन नहीं लेकिन कोल्ड ड्रिंक की जब हम बात करते तो वो एक मैटर है तो वो मैटर में आ जाएगा अगेन स्मेल ऑफ परफ्यूम अगेन इट इज नॉट अ मैटर

फ्रिज में मान लो कोई चीज पड़ी है उसके पास जाके आप उसको स्मेल करोगे तो उसमें से आएगी खुशबू लेकिन ऐसा नहीं होता कि आपको दूर बैठे बैठे भाई फ्रिज में ये चीज पड़ी है खुशबू आ रही है ऐसा नहीं होता द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचे सेवरल मीटर अवे एज द पार्टिकल्स ऑफ हॉट फूड काइनेटिक एनर्जी जब खाना गर्म होता है तो उसके पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है काइनेटिक एनर्जी कौन सी है मोशन वाली सब हम चैप्टर में डिस्कस करके आए हैं एंड हेंस द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन पार्टिकल्स ऑफ कोल्ड वाटर सो उनका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होता है और ट्रेवल उसके पार्टिकल्स हवा में ज्यादा ट्रेवल कर पाते हैं इसलिए हमें मीटर अवे बैठे भी रूम में बैठे भी पता चल जाता है किचन में कुछ बढ़िया बन रहा है है सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर डाइवर डाइवर इज एबल टू कट थ्रू इन अच्छा कौन होता है जो पानी में स्विम वगैरह करते हैं डाइविंग करते हैं देखा होगा आपने ऐसे करके ऊपर से छलांग मारेंगे पानी में शू करके निकल जाते हैं सो अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वॉटर कट थ्रू वॉटर इन स्विमिंग पूल मतलब जैसे पानी है अब जैसे ही वो उसमें जाते पूरा नीचे ले जाते हैं ना आराम से सो दैट इज कट थ्रू करना

इसीलिए कोई सॉलिड चीज है तो उसके आर पार आप हाथ को नहीं घुमा सकते ठीक है तो इंटरमोलिक स्पेस बहुत ज्यादा होता है और उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होता है कंपेयर टू द सॉलिड एंड ज्यादा मतलब लीक इसके गैस के कंपैरिजन में तो ज्यादा होता है बट वैसे कंपैरेटिवली लेस होता है सॉलिड के उसमें कंपैरिजन में इसीलिए हम यहाँ पे इसको कट थ्रू कर पा रहे हैं ठीक है जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पेज नंबर थ्री का है व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर पार्टिकल्स ऑफ मैटर की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं सो मैटर हैज इंटरमोलिकुलर स्पेस उनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है एंड उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसको हम इंटरमोलिकुलर फोर्स भी बोल सकते हैं एंड दे आर कॉन्टीन्यूसली मूविंग सो ये प्रॉपर्टीज हैं मैटर की ठीक है सो दिस वाज पेज नंबर थ्री पेज नंबर थ्री पे चार ही क्वेश्चन थे अब हम आएंगे नेक्स्ट पेज पे आई थिंक पेज सिक्स पे क्वेश्चन होंगे सो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे सो इन द नेक्स्ट वीडियो टेक केयर एंड बाय